अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अहमद। तो आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ज़ुल्फ़ी टिप्स। तो गाइस, आज की इस वीडियो में जो मैं आपके लिए वीडियो लाया हूं, मतलब आप अपने मतलब हेयर को मतलब मुलायम और नरम और मुलायम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, नरम और मुलायम कैसे कर सकते हैं। ये आप मुख्तलिफ मतलब हकीमों के पास जाते हैं जी, दवाइयाँ दे दें हमें, मतलब हम अपने बाल मतलब नरम और मुलायम करने हैं, वो दवाइयाँ देते हैं, लेकिन आप मुख्तसरी मतलब चंद घंटे वो आपके चेहरे पर मतलब आपके बालों पर असर रहता है, ठीक है। तो उसके बाद आप मतलब मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जाते हैं, वो भी आपको दवाइयाँ या जेल वगैरह देते हैं। मगर करियाने वाली दुकान पर आप चले जाते हैं, उधर भी मतलब मुख्तलिफ चीज़ें, जैसे मनियारे वाली दुकान है, उधर मुख्तलिफ चीज़ें मिलती है, जैसे जेल वगैरह है, ठीक है, और उसमें लोशन वगैरह भी हम मिल रहे हैं जो बालों को नरम और मुलायम करता है, लेकिन ये चंद दिन तक या चंद घंटे तक असर करता है। जो मैं आपके लिए जो मैं नुस्खा लेकर आ गया हूँ वो है पूरी मतलब आप मतलब पूरे मंथ के लिए, मतलब पूरे ईयर के लिए, मतलब एक साल के लिए आप पूरे मतलब आप अपने बालों को नरम और मुलायम कर सकते हैं, मतलब परमानेंटली, ठीक है। तो आपने सबसे पहले करना क्या है जी, आपने लेना है जैतून का तेल, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो आपने लेना जैतून का तेल और उसके जो तीन चार ढक्कन आपने एक किसी कोली में गर्म कर लेना। तो जब वो गर्म हो जाए तो आपने उसको मतलब अपने बालों पर लगा लेना, ठीक है। जब आप बाल मतलब मुकम्मल बालों पर जब आप लगा लेंगे, जितने बड़े आपके बालों मतलब उसकी हैसियत के मुताबिक आपने वो तेल गर्म करना है। तो गर्म करने के बाद आपने उसको इस्तेमाल कर मतलब लगा लेना है। उसके बाद आपने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद आपने नंबर टू पे क्या चीज़ लेनी है, नंबर टू पे आपने लेना है जी बनाना, मतलब केले, ठीक है। और केले मतलब तीन से चार ले, मतलब तीन से चार अदद मतलब केले ले लें, ठीक है। उसके बाद आपने उसका करना क्या है जी, उसका करना आपने करना है जी ग्राइंड, ठीक है। और ग्राइंड करने के बाद वो एक बाम की सूरत में तैयार हो जाएगी, जैसे एक बेहतरीन होती है, मतलब उसकी सूरत में वो तैयार हो जाएगा। उसका इस्तेमाल कैसे करना है, जैतून का तेल तो हमने इस्तेमाल कर लिया और नंबर टू पे बनाना है, मतलब इसको इस्तेमाल करते कैसे करना है। तो आपने जैसे जैतून का तेल इस्तेमाल किया है, आपने इसको भी ऐसे मतलब जैसे हम मेहंदी वगैरह लगाते हैं, जैसे हम हमामों वगैरह भी जाते हैं और उधर काली काली वगैरह मेहंदी लगाते हैं ना, तो इसी तरह आपने उसको जो बाम बनी होगी केले का जो ग्राइंड किया होगा आपने, तो वही आपने इस्तेमाल करना है। इसके ऊपर आपने एक घंटे के लिए इसको लगा रहने देना, ठीक है। एक घंटे के बाद आपने अब धोना कैसे जी, आपने अपनी सर के मतलब जितनी मतलब वो मिकदार में लगाई है, मतलब वो जो नुस्खा मैंने बताया वो कितनी मिकदार में लगाया आपने, उसी हैसियत के मुताबिक मतलब एक या दो डुल्लू की सूरत मतलब आप उसको पानी गर्म कर लेना। तो पानी गर्म करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह धो लेना, ठीक है। अच्छी तरह धोने के बाद आपने किसी तौलिए के साथ खुश्क कर लेना। उसके बाद आप कंघी देंगे और आपके बालों में चमक भी होगी, ठीक है, और उसके बाद आपके बाल नरम और मुलायम भी होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारी हर वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।